हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, टुडेज इन माय वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन न्यू टॉपिक्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम टू मिसिबल लिक्विड्स, जैसे दो लिक्विड्स हैं वो आपस मिसिबल हैं, उनको हम सेपरेट करने का मेथड देखेंगे। इसके पहले लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जैसे आयल्स और वाटर, आयल और वाटर ये दोनों मिसिबल हैं, दोनों लिक्विड्स हैं। तो इसमें आयल आपका जो है ई मिसिबल और वाटर आपका मिसिबल लिक्विड्स है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया था और उससे जो है हमने इसको सेपरेट कर लिया था। तो ये दो लिक्विड हैं लेकिन ये दोनों मिसिबल नहीं हैं, ये ई मिसिबल लिक्विड्स हैं। लेकिन अब ये पॉइंट आता है कि अगर दो मिसिबल लिक्विड हो तो उनको हम कैसे सेपरेट करें। तो सेपरेशन का ये मेथड जो है इसे हम लोग देते हैं डिस्टिलेशन मेथड्स। तो स्टूडेंट, डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन इसमें डिस्टिलेशन मेथड आता है। ये डिस्टिलेशन मेथड ये टू वर्ड्स बना है जिसे हम कहते हैं कि वेपराइजेशन वेपराइजेशन और प्लस कंडेंसेशन, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, प्रोसेस हैं, जिसको मिस करके हम डिस्टिलेशन नाम देते हैं। सबसे पहले लिक्विड को हम वेपर बनाते हैं, वह लिक्विड वेपर बनेगा। अब इस वेपर लिक्विड को हम क्या करते हैं, कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में अपटेन करते हैं, तब वह डिस्टिल लिक्विड हमें मिलता है। और डिस्टिल मिलने से इसको हम लोग नाम डिस्टिलेशन देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये डिस्टिलेशन जो है, जब आप अपर क्लास में जाएंगे तो डिस्टिलेशन ये फोर टाइप होता है। यहाँ हम थोड़ा पॉइंट शो कर दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, और सेकेंड पॉइंट जो है आप देखेंगे जिसे हम दिखाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, और नंबर फोर्थ पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं प्रेशर रिड्यूस डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्टिलेशन फोर टाइप होते हैं, और ये फोर टाइप डिस्टिलेशन आप जो है अपर क्लास में देखेंगे। यहाँ ओनली आप ये चेक करेंगे कि अगर दो मिसिबल लिक्विड हों तो उनको डिस्टिलेशन मेथड से हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा सिंपल डिस्टिलेशन का आपको हम फिगर दिखाएंगे और उसके हेल्प से हम ये जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी जो यहाँ आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी पहले हम एक्टिविटी को फोकस करेंगे। लेट अस ट्राई टू सेपरेट स्टोन एंड वाटर को हमको सेपरेट करना है, और स्टोन एंड वाटर बोथ आर मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम दियर मिक्सचर्स। ओके, टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क मिलेंगे, फिट इट विथ ए थर्मामीटर, और इसमें एक थर्मामीटर फिट करेंगे। अरेंज द अपरेटस शोन इन द फिगर 2.9 अभी फिगर आपको हम शो कर रहे हैं। हीट द मिक्सचर, इसके बाद मिक्सचर को हम हीट करते हैं स्लोली, कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर, और थर्मामीटर को हम वॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे।
द स्टोन, द स्टोन वेपराइज, स्टोन वेपराइज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा इन द कंडेंसर, स्टोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए ये स्टोन सबसे पहले वेपर बनाएगा और ये कंडेंस हो जाएगा कहाँ, कंडेंसर में, एंड कैन बी कलेक्टेड फ्राम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर से आउटलेट जाएगा और इसको जो है यह रिसीवर में, रिसीवर में इस स्टोन को ओपन कर लेंगे। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है तो वाटर इज लेफ्ट, वाटर रह जाएगा बिहाइंड डिस्टिलेशन फ्लास्क, और वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को थोड़ा केयरफुल्ली वॉच कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, यह फिगर आप देख रहे हैं, जो फिगर यहाँ शो किया गया है, इस फिगर में यह डिस्टिलेशन फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में है एक मिक्सर रखा गया है स्टोन एंड वाटर का। इसके बाद डिस्टिलेशन फ्लास्क को ये ऊपर थर्मामीटर और इसके साथ जो है ये कंडेंसर, ये कंडेंसर और ये रिसीवर ये लगाया गया है। कंडेंसर में स्टोन से यह वाटर फ्लो किया जा रहा है, जिसे कंडेंसर क्या करता है कि स्टीम को कंडेंस करता है। तो इस तरह से जब इसको हम हीट करेंगे, सुरवली हीट करेंगे, तो एसीटोन, स्टोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका वेपर बनेगा और स्टोन जो है यह कंडेंसर से कंडेंस होता हुआ, कंडेंसर से होता हुआ ये आ जाएगा रिसीवर में। इस तरह से रिसीवर में यहाँ आपको स्टोन मिल जाएंगे, ठीक, ओके, यहाँ मिल जाएगा स्टोन्स, रिसीवर मिल जाएगा स्टोन्स, स्टोन यहाँ आ जाएगा, क्लियर, और आपका जो है वाटर, वाटर इसी फ्लास्क में रह जाता है। इस तरह से जो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ये वाटर स्टोन दोनों को हम इस तरह से सेपरेट करते हैं, इसी मेथड को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। जैसे डिस्टिलेशन में हमने दो पॉइंट बताया था, वेपराइजेशन, पहले हीट करेंगे इसमें वेपर बनेगा, ओके, बनेगा इसमें वेपर, उसके बाद एक कंडेंसर, ये कंडेंसर से कंडेंस करेगा, तो वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, ओके। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स, और यह मेथड जो है टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, जो बॉयल होते हैं लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे आपका लिक्विड ए है जिस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए 100 है, और लिक्विड अगर बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए 40 डिग्री है, तीसरे से दोनों लिक्विड, लिक्विड ए और लिक्विड बी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर हम डिस्टिलेशन लगाते हैं तो लिक्विड बी इजिली वेपर बनाएगा और यह कंडेंसर होता है और रिसीवर चला जाएगा, और लिक्विड ए है ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। तो यह सिंपल डिस्टिलेशन मेथड हम यूज़ तब करते हैं जब दोनों लिक्विड के बीच में मेजर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट में। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विद द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट देखिए यहाँ फोकस आप देखिएगा, जो अभी हमने डिस्टिलेशन की, अदर डिस्टिलेशन के नेम हमने लिया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 50 हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा, तो इसके लिए अगर बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस हो तो फ्रैक्शनल का हम यूज़ करेंगे। द ऑपरेटस इज सिमिलर टू दैट डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनल कॉलम, ऑपरेटस इसका उसी तरह से होता है, केवल इसमें एक जो है फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिए जाते हैं, इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। ए सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विथ ए ग्लास बीड्स, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली, द
स्टूडेंट्स, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फिगर, इस फिगर में जो आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपका डिफ्यूजन फ्लास्क है और ये कंडेंसर है, ये आपका जो रिसीवर है, एडाप्टर है, ओके, सेम मेथड्स, ये आपका स्टैंड्स है, लेकिन यहाँ एक आपको जो है ये लगाया गया है फ्रैक्शनल कॉलम। जब वेपर इसमें जाएगा, ओके, तो यह वेपर दोनों, जैसे हमने ये दिखाया कि लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, और दोनों में लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए कि 50 केल्विन है, ओके, और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 केल्विन। ऐसे कंडीशन में जो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, डिफरेंस जो है कि 10 केल्विन का है, तो ऐसे इस कंडीशन में यह लिक्विड बी और लिक्विड ए दोनों वेपराइज होंगे, लेकिन लिक्विड ए का वेपर अधिक बनेगा, लिक्विड बी का वेपर कम बनेगा। अब ये दोनों वेपर मूवमेंट करेंगे अपवर्ड, और इस फ्रैक्शनल कॉलम में जब मूव करेंगे तो फ्रैक्शनल कॉलम में लिक्विड ए कंडेंस होकर यह अगेन आ जाएगा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और लिक्विड बी यह कंडेंसर्स होता हुआ रिसीवर में ऑब्टेन हो जाएगा। तीसरे से अगर डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन का होता है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम यूज करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने डिस्टिलेशन के दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिया। दोनों मेथड से भी आपने देखा कि आपका सिंपल डिस्टिलेशन, और सेकेंड आपका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों मेथड हमने आपको शो किया, और दोनों में डिफरेंस क्या, और इसके जो है अपरेटस में है, फ्रैक्शनल कॉलम में है, और ये टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफर जो है, अगर लेस देन 25 का हो तो फ्रैक्शनल हम यूज़ करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर मोर देन 25 केल्विन का हो तो यूज़ करेंगे। इस तरह समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो और दो मिसिबल लिक्विड हो तो सिंपल हम यूज़ कर लेंगे, और दो मिसिबल लिक्विड है जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हैं तो उनमें हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेंगे। और जो नेक्स्ट टू और मेथड्स हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, प्रेशर रिलीव डिस्टिलेशन, तो ये दोनों को जो है स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे अपर क्लास में, क्लास 11th में। सो थैंक्स।